नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि संस्कृत डिपार्टमेंट, संस्कृत शिक्षा विभाग के अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आपके 5 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक, इसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इनको आपको एक क्रम में एक सेट करना है और वहाँ पर डीवी अजमेर में करवाना है। अजमेर में डीवी आपका आरपीएससी कार्यालय वहाँ पर होगा, जहाँ आपका मेन आरपीएससी में पहले जो भर्ती थी सेकंड ग्रेड की, उसके अंदर अभी चल रही है जो वर्तमान में, उसका भी वहीं पर हुआ था और आपका भी वहीं पर होगा। तो उस समय जितने भी थे उन सब का सारा सभी सब्जेक्टों का डीवी एक तरह से हमारे सानिध्य में हुआ है यहाँ पर। तो अब आपको संस्कृत डिपार्टमेंट के भी आपको लास्ट तक जहाँ तक कोशिश रहेगी हमारी आपके साथ बनी रहने की, मैं एक गवर्नमेंट टीचर मैथ का वरिष्ठ अध्यापक हूँ, तो जो भी वहाँ पर मेरा भी संस्कृत डिपार्टमेंट में हुआ था 2018 वाली वैकेंसी में, और वर्तमान में 2000 आरपीएससी वाले में भी 2000 इसमें हुआ है। तो अब इस समय जो जो आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उनकी आप लिस्ट यहाँ पर क्रम से देखते चलें। संस्कृत शिक्षा विभाग, सबसे पहले आपको चाहिए विस्तृत आवेदक फॉर्म। ये क्या होता है, इसके लिए भरने के लिए तो एक वीडियो बना रखा है आपके लिए, जो पहले जिनको मेन आरपीएससी वाले में भरा था मैंने, उसका वीडियो है सेम आपको ऐसे कैसे उसको भरना है। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आप वहाँ पर जाओगे आरपीएससी की साइट पे जाओगे, तो आरपीएससी साइट पे जाने पर सीधा आप डाउनलोड्स में जाए, होम पेज पे डाउनलोड्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्स फॉर्म अंग्रेजी में लिखा मिलेगा, इसको डिटेल्स फॉर्म, ठीक है, डिटेल्स फॉर्म है, उसको आप डाउनलोड कर ले, इसी को बोलते हैं विस्तृत आवेदक फॉर्म। इसके साथ में ही एक चीज और जुड़ी होती है इसके अंदर, वो जुड़ी होती है विस्तृत आवेदक फॉर्म में ही अटेंशन फॉर्म होता है। अटेंशन फॉर्म होता है, ये अंग्रेजी में होता है, जिसके अंदर आपको अंग्रेजी में ही भरना होता है। तो ये कुछ विस्तृत आवेदक फॉर्म के थे जो कि आपको सभी साथियों को भरने हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो जिनका दोनों एक में है वो तो एक चाहिए, जिनका अलग अलग है वो दोनों मार्कशीट भी अलग चाहिए और सर्टिफिकेट भी अलग चाहिए। सेम 12th का है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग। बीए और बीएससी, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ से ली है उसमें आपको मार्कशीट चाहिए, डिग्री चाहिए, और डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। किसी भी साथी के पास में डिग्री नहीं है तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा करा सकता है। इसके अलावा फिर है बीएड के में भी आपको मार्कशीट, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री नहीं होने पर ये लेते हैं, लेकिन जिनकी डिग्री आउट ऑफ राजस्थान की है, जिन्होंने आउट ऑफ राजस्थान से बीएड किया हुआ है, उनको जिनके पास में डिग्री नहीं है और वो प्रोविजनल डिग्री जमा करा रहे हैं, उनको एक और शपथ पत्र वो चाहिए जिसका नाम होता है संबद्धता प्रमाण पत्र, ये मस्ट है, ठीक है। इस चीज को आपको अजमेर डीवी के समय मांगेंगे, जिनकी डिग्री आउट ऑफ राजस्थान से है उनको संबद्धता प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसको एफिलेशन लेटर बोलते हैं, कि आपकी जो कॉलेज है, ये होता है कि आपकी जो कॉलेज होती है उन्होंने कहाँ से मान्यता प्राप्त की है, इस तरह का ये एक प्रमाण पत्र होता है। इसके बाद एक आपको लेना है जाति प्रमाण पत्र, ध्यान रखना चाहे विवाहित महिला हो चाहे अविवाहित महिला हो, विवाहित चाहे अविवाहित हो, दोनों के लिए किसका नाम का चाहिए, पिता के नाम का, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, चाहे विवाहित महिला हो चाहे अविवाहित, विवाहित और चाहे अविवाहित, ठीक है, चाहे विवाहित महिला हो चाहे अविवाहित महिला हो, सबको पिता के नाम का ही चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और ऐसे जिन्होंने नहीं दिया है पिता के नाम से, उनको मंडल भरने में परेशानी आती है, आगे ज्वाइनिंग आदेशों में परेशानी आती है, इसलिए सभी साथी इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद मूल निवास,
ये आम पति के नाम का भी चल सकता है और पिता के नाम का भी चलेगा, लेकिन पति के नाम का जब चलेगा, जब आपने आवेदक फॉर्म में पति का आवेदन फॉर्म में आपने पति का एड्रेस भरा है, पति का एड्रेस, तब जा करके ही ये चलता है, अन्यथा ये भी किसके नाम से चलेगा, पिता के नाम से। आय प्रमाण पत्र में जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको चाहिए, उनको मैं यहां पर मस्ट लिख रहा हूं, अर्थात उनको चाहिए। जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनको भी इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता, ये आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये थी आपके कुछ डॉक्यूमेंटों की जानकारी। इसके अलावा आपको 9वें नंबर पे देखें तो दो चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको पता है 1-1 रुपए वाले बनते हैं वो वाले। साथ में 10वें नंबर पे आप कहेंगे कि अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र। ध्यान रखना, अंतिम संस्था का मतलब यहां पर होता है कौन सा, अंतिम संस्था का मतलब यहां पर होता है जो आपकी लास्ट में है, समझ रहे हो। अंतिम संस्था का मतलब आपकी जो लास्ट, जो आपने रेगुलर डिग्री प्राप्त की है, चाहे आपने एमए रेगुलर की हो, चाहे एमएससी की हो, या फिर आपने बीएड की हो। बीएड तो सबका करना ही होता है, बीएड मस्ट है, गवर्नमेंट वो रेगुलर होना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र ध्यान रखना, ये आपका नया चाहिए, ये आपको नया बनवाना होगा। अब ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के एक फाइल के रूप में लेकर के चले जाए, पोस्टल ऑर्डर आपको 1 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लेके जाना है, ठीक है। ये आरपीएससी सचिव के नाम से भरना है आपको, आरपीएससी सचिव के नाम से फिल करना है, और ये आपको बस इतने डॉक्यूमेंट आपको आरपीएससी वहाँ पर चाहिए। अब जिन साथियों के कोई डॉक्यूमेंट में नाम में मिस्टेक है उनके लिए अलग से एफिडेविट देना होगा आपको, और वो भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा। रीट की तरह यहाँ पर आपको सादा पेज पर लिख करके नहीं देते हैं। इसके अलावा और कोई बाहर की जो डिग्री वाले हैं वो 1 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का प्रमाण पत्र भी ऐड कर, मतलब शैक्षणिक योग्यताओं का 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पर शैक्षणिक योग्यताओं का भी आप बनवा सकते हो। ये आउट ऑफ राजस्थान के लिए है, यहाँ पर जो राजस्थान की डिग्री वाले हैं उनके लिए इस तरह का कोई रूल नहीं है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो कम्प्लीटली, और इनको इनके आप कम से कम कितने सेट बनाओगे, देखो विस्तृत आवेदक फॉर्म आप अलग से भरोगे, डबल विस्तृत आवेदक फॉर्म और अटेंशन फॉर्म दो अलग अलग प्रिंट निकाल करके दो अलग अलग भरोगे, ये नहीं कि एक भर करके उसकी फोटोकॉपी करवा ली, दोनों आपको अलग अलग चाहिए। तो ठीक है, अब आप टोटल इनके टोटल कितने सेट बनाएंगे, 2 सेट, ठीक है। कंप्लीट डॉक्यूमेंटो के इनके सबके आपको 2 सेट बनाने हैं, ठीक है। बाकी और काउंसलिंग पे इन पे और चाहिए वो उस समय आपको अवगत करा दिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो में इतना ही, और सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें, जाति आप नया बनवा लें, अगर नहीं है तो नया बनवा लें, पुराना भी जाति आपको चाहिए वहां पर, ठीक है। और EWS भी आप नया ही शो करें, मतलब नया का मतलब आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम का जो आपका जाति है वो, और किसी के नाम में इधर उधर ऐसे मिस्टेक है तो वो नया भी बनवा लो, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको ऐसी परेशानी लगती है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हो यहाँ पर, और जो टेलीग्राम ग्रुप है विक्रम मैथसर गनीपुर उससे भी आप जुड़ सकते हो, जो भी आपको डाटा मिलेगी वहाँ पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी।